Hello everyone, welcome back to my channel. My name is शिवानी झा. Today I am going to discuss about development length. तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि development length होते क्या हैं, इसको हम क्यों provide करते हैं and अगर हम इसको provide ना करें तो क्या हो सकता है building में. development length को अगर हम bundled bars जो होते हैं उसमें हम कैसे calculate करते हैं and क्या क्या factors होते हैं जो कि डेवलपमेंट लेंथ को इफेक्ट करते हैं. तो पहले हम देखते हैं कि डेवलपमेंट लेंथ होता क्या है. व्हाट इज़ डेवलपमेंट लेंथ. अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में देखें तो ये हमारा लेंथ ऑफ स्टील बार होता है जो कि होल्ड करता है दो कंक्रीट मेंबर्स को टुगेदर. कंक्रीट मेंबर्स लाइक बीम, कॉलम, फुटिंग एक्सेट्रा. तो ये जो लेंथ ऑफ स्टील बार जो हमारा नीडेड होता है जिसको हम इम्बेंड करते हैं कॉलम में, एस्टैब्लिश द डिजायर्ड बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील. जो डेवलपमेंट लेंथ है वो प्रोवाइड किए जाते हैं एट कॉलम बीम जॉइंट एंड कॉलम फुटिंग जॉइंट. एज यू सी इन दिस फिगर, दिस इज बीम एंड दिस इज कॉलम. और ये जो है हमारा, ये है हमारा डेवलपमेंट लेंथ फॉर बीम एंड कॉलम जॉइंट. दिस इज द मेन बार इन द बीम जो कि एक्सटेंड है फ्रॉम हेयर टू हेयर ताकि ये सेफली लोड ट्रांसफर कर सके, सॉरी स्ट्रेस ट्रांसफर कर सके फ्रॉम बीम टू कॉलम. एंड ये पोर्शन जो है लेंथ का, इसको हम डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई वी प्रोवाइड डेवलपमेंट लेंथ. हमें क्या ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि हमें डेवलपमेंट लेंथ को प्रोवाइड करना पड़ता है. तो जो डेवलपमेंट लेंथ होती है ये क्रिएट करती है सेफ बॉन्ड बिटवीन बार सरफेस एंड कंक्रीट. और ये इंश्योर करती है कि अगर कोई भी अल्टीमेट लोड कंडीशन आ जाए तो उसमें रीइन्फोर्समेंट बार जो है वो हमारा स्लिप नहीं होगा कंक्रीट से. ऑल्सो ये हमारा ट्रांसफर करता है स्ट्रेस को या लोड को फ्रॉम बीम टू कॉलम स्मूथली. व्हाट विल हैपन इफ़ यू डोंट प्रोवाइड डेवलपमेंट लेंथ. तो क्या होगा अगर हम इसमें डेवलपमेंट लेंथ को हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, लेस डेवलपमेंट लेंथ को प्रोवाइड करेंगे, जितना रिक्वायर्ड है उससे कम डेवलपमेंट लेंथ को हम प्रोवाइड करेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर जो है वो फेल हो जाएगा ड्यू टू स्लिपेज ऑफ जॉइंट्स. तो इन केसेज में जो हमारा बार जो है वो ब्रेक नहीं होता है, वो पहले ब्रेक नहीं होता है, बट जो फेलियर होता है वो हो जाता है जॉइंट्स पे या जहाँ पे लैपिंग हुई होती है वहाँ से. लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ बीम कॉलम जॉइंट. अगर डेवलपमेंट लेंथ हम इसमें प्रोवाइड नहीं करते हैं एंड हम इसमें अप्लाई करते हैं फोर्स मोर देन मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट, तो हमारा जो रिस्ट्रेनिंग फोर्स है बिटवीन बीम एंड द कंक्रीट कॉलम ये हमारा सफिशियंट नहीं हो पाता है कि वो होल्ड कर पाए बीम को उसके पोजिशन पर. तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा बीम होता है वो बाहर आ जाता है कॉलम से अगर हम डेवलपमेंट लेंथ को प्रोवाइड नहीं करते हैं एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन पे. जो हमारा डेवलपमेंट लेंथ है वो एक सपोर्टिंग मेंबर की तरह एक्ट करता है फॉर द रीइन्फोर्समेंट बीम इन द कंक्रीट कॉलम. हाउ टू कैलकुलेट डेवलपमेंट लेंथ. तो इसका फॉर्मूला होता है एल डी इज इक्वल टू फाइव सिग्मा एस डिवाइडेड बाई फोर टाउ डी, वेयर जो हमारा एल डी है वो हमारा डेवलपमेंट लेंथ है, जो हमारा फाई है ये हमारा नॉमिनल डाया है रीइन्फोर्समेंट बार का, सिग्मा एस स्ट्रेस इन बार एट द सेक्शन कंसीडर्ड एट डिज़ाइन लोड, एंड टाउ बी डी हमारा डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस है. ये जो एल डी होता है डेवलपमेंट लेंथ जो होता है हमारा एम एम में कैलकुलेट होता है. और सेम फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं वर्किंग स्टेट मेथड में एज वेल एज लिमिट स्टेट मेथड में भी. नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट लेंथ ऑफ बंडल्ड बार. तो बंडल्ड बार में हमारा क्या होता है डेवलपमेंट लेंथ. अगर हमें कहीं पे लार्ज नंबर ऑफ बार्स प्रोवाइड करने हो तो ये पॉसिबल नहीं होता है कि हम हर बार को सेपरेटली प्रोवाइड करें. तो इस केस में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम इंक्रीज कर दें फर्स्ट है हमारा, या तो हम इंक्रीज कर दें साइज ऑफ कंक्रीट मेंबर को दैट इज कॉलम और बीम, या तो सेकेंड ऑप्शन हमारा होता है बंडल कर दें हम सारे बार्स को इन ग्रुप ऑफ टू थ्री और फोर बार्स. तो अगर हम ऑप्शन नंबर वन को कंसीडर करते हैं तो इसमें क्या होगा, अगर हम इंक्रीज कर देते हैं साइज ऑफ कंक्रीट मेंबर का देन इसमें हमारा कॉस्ट जो है कॉस्ट इम्प्लिकेशंस आ जाएंगे. सो इट्स बेटर टू गो विथ ऑप्शन नंबर टू. तो अगर हम ऑप्शन नंबर टू अगर हम बंडल कर दें बार्स को तो ये बार्स जो हैं दे हैव लो कॉन्टैक्ट एरिया विद द सराउंडिंग कंक्रीट. हमारा इफेक्ट करता है बॉन्डिंग बिटवीन कंक्रीट एंड रिबार्स.
जो कि एक कंसर्न है स्पेशली इन बीम्स। तो इसको हम कंपनसेट करने के लिए डेवलपमेंट लेंथ को इंक्रीज करते हैं सुटेबली। अगर हमारे टू बार्स हमने साथ में बंडल किए हैं तो जब हमारा डेवलपमेंट लेंथ है उसको हम इंक्रीज़ कर देते हैं बाय 10%। अगर हमने थ्री बार्स को बंडल किए हैं तो हम डेवलपमेंट लेंथ को इंक्रीज़ कर देते हैं बाय 20%। एंड अगर हमने फोर बार्स को बंडल किए हैं तो हम उसमें डेवलपमेंट लेंथ को इंक्रीज़ कर देते हैं बाय 33%। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट लेंथ। तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं डेवलपमेंट लेंथ को? फर्स्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो अगर जो हमारा एलडी होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 बाय कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अगर हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा तो डेवलपमेंट लेंथ कम होगा। सेकेंड, डेंसिटी ऑफ कंक्रीट। इफ लाइटवेट कंक्रीट को हम यूज़ करते हैं तो जो डेवलपमेंट लेंथ होता है उसको हमें इंक्रीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। थर्ड, रिबार क्लियर कवर। इफ़ वी इंक्रीज द कंक्रीट कवर देन डेवलपमेंट लेंथ विल डिक्रीज। अगर हम कंक्रीट कवर को इंक्रीज करेंगे तो डेवलपमेंट लेंथ हमारा डिक्रीज हो जाएगा। फोर्थ, रिबार सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। इफ रिबार स्पेसिंग हम अगर इंक्रीज कर देते हैं देन मोर कंक्रीट विल बी अवेलेबल पर रिबार टू रेजिस्ट हॉरिजॉन्टल स्पिलिंग। फिफ्थ, कोटिंग ऑफ रिबार। समटाइम्स किसी किसी स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, क्रोजन होने के चांसेस होते हैं, जैसे पानी वगैरह में बनाते हैं या कोई ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमें क्रोजन होने के ज़्यादा चांसेस है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, इपॉक्सी कोटेड रिबार्स का यूज़ करते हैं इंस्टीड ऑफ नॉर्मल रिबार्स। एंड सिक्स है हमारा रिबार डाया और डायमीटर, जो कि हमारा मोस्ट कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है डेवलपमेंट लेंथ को। जो स्मॉल डायमीटर बार्स होते हैं उनको कम डेवलपमेंट लेंथ चाहिए एंड जो लार्जर डाया बार्स होते हैं रिक्वायर्स मोर डेवलपमेंट लेंथ। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है, इसको हम क्यों प्रोवाइड करते हैं एंड अगर इसको हम